चैनल में आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि लोग आपके बारे में कैसा सोचते हैं या लोग आपको कैसा समझते हैं। ओके, तो लोगों की नजर में आप कैसे इंसान हैं, आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग जनरल रहेगी, हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे, तो आप ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा। ओके व्यूअर्स, ये रीडिंग सभी ज़ोडियक साइंस के लिए है और हर उम्र के लोगों के लिए है और टाइमलेस है, यानी जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं, ये रीडिंग आपसे तभी रेजोनेट करेगी। फिर चाहे आप इस वीडियो तक 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, कितने भी महीने या कितने भी हफ्तों बाद पहुंचे हैं, आप जब भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, ये आपसे तभी रेजोनेट करेगी। ओके व्यूअर्स, अगर आप ड्रीम टैरो चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि सब्सक्राइब जरूर करें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाएं ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा, क्योंकि मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आती रहती हूँ। रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेजेस, चैनल मैसेजेस एंड चैनल सॉन्ग्स प्रोवाइड करती हूँ, जो मैं नहीं चाहती कि आप मिस कर पाएं। इसीलिए सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई रीडिंग लेकर आऊं, सबसे पहले आप उसे देख पाएं। ओके, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। ओके व्यूअर्स, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि लोग आपको कैसा समझते हैं। ओके, लोगों की नजर में आप कैसे इंसान हैं। ओके, दो कार्ड यहाँ पर अनफोल्ड हुए हैं, आई कैन नॉट कंसिडर बोथ ऑफ देम। पहले शफल कर लेते हैं। स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस। ओके, वाओ, ब्यूटिफुल, वेरी पॉजिटिव। सिक्स ऑफ वैंड्स, ये कार्ड बहुत ही पॉजिटिव है व्यूअर्स। और लोग आपको कैसा इंसान समझते हैं, इस प्रश्न में अगर ये कार्ड आ रहा है, आई थिंक ये अपने आप में ही बेस्ट है। यहां पर ऐसा लग रहा है व्यूअर्स, लाइक कि लोग आपको ऐसा इंसान समझते हैं व्यूअर्स, लोगों की नज़र में आप ऐसे व्यक्ति हो जो बहुत ही विक्टोरियस हो, जो किसी सिचुएशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, इन्वॉल्व नहीं होते, और अगर इन्वॉल्व होते हैं तो सिर्फ जीतने के लिए। यू आर वेरी विक्टोरियस, आपका स्वभाव, आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि आप जिस भी क्षेत्र में जाएं, आप विजय प्राप्त करना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं। चाहे प्यार हो तो भी आप दिल जीतना चाहते हैं, चाहे करियर हो तो भी आप टॉप पर जाना चाहते हैं, चाहे कोई भी चीज हो वहां पर आप जीत प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि हारना आपको पसंद ही नहीं है, चाहे जीवन की कोई कठिनाई क्यों ना हो, चाहे कोई परीक्षा क्यों ना हो, आपको जीतना पसंद है। यू आर वेरी विक्टोरियस, और ऐसा लगता है कि आप जहां भी जाते हैं सम्मान प्राप्त करते हैं। ऐसा लोगों को लगता है कि आप बहुत ही रिस्पेक्टेबल हैं। अगर कोई आपको जानता भी नहीं होगा, जस्ट पहली बार आपसे मिला होगा, समवेयर वो आपके प्रति रिस्पेक्ट फील करेगा। क्यों? क्योंकि आपका ऑरा ऐसा है, आपका ऑरा ऐसा है कि वो लोगों को रिस्पेक्ट करवाता है, लोग रिस्पेक्ट करते हैं आपकी, क्योंकि ऑरा ऐसा है। ओके, पर्सनालिटी में ही एक छाप है ऐसी जो दिखाती है कि ये पर्सन जो है ये बिल्कुल क्वीन लाइक, किंग लाइक पर्सन है। लाइक आई गेट व्हाट आई वांट, ऐसा वाला मुझे आपका ऑरा दिख रहा है। आई गेट व्हाट आई वांट, मुझे जो चाहिए वो मुझे मिल ही जाता है, या मुझे जो चाहिए वो मैं पाकर ही रहता हूँ या रहती हूँ। तो लोगों को भी यहाँ पर ऐसा लगता है दैट व्हाट एवर यू वांट यू गेट इट Anyhow, कैसे भी।
यहाँ पर मुझे व्यूअर्स ऐसा भी लग रहा है कि लोगों को ऐसा लगता है कि आपको सपोर्ट भी बहुत लोग करते हैं। अगर आप कुछ कर रहे हैं तो बाकी लोग फॉलो करना शुरू कर देंगे आपको। अगर आपने कोई नया स्टाइल हेयर स्टाइल किया है, नया ड्रेसिंग स्टाइल किया है कुछ, तो लोग एक आध आपको कोई दिख जाएगा उसे कॉपी करता हुआ। तो यहाँ पर लोग आपको कॉपी भी बहुत कर रहे हैं। ओके। वाह, द फूल कार्ड, इंटरेस्टिंग। यहाँ पर व्यूअर्स मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों की नजर में आप विक्टोरियस तो हैं ही, बट स्ट्रेस फ्री रहते हैं। चाहे आपके दिमाग में, आपकी लाइफ में कितनी भी टेंशन चल रही हो, कितना भी स्ट्रेस हो, ओके, आप कुछ भी सोचते हो, ऐसा भी हो कि शायद आपको रात में नींद ना आती हो स्ट्रेस की वजह से, बट लोगों को आपका व्यक्तित्व, आपकी मुस्कुराहट देखकर ऐसा लगता है कि जैसे आप बहुत स्ट्रेस फ्री हैं। शायद ही कोई आपके जीवन में कोई चिंता होगी, शायद ही आपकी लाइफ में कोई स्ट्रेस होगा। बहुत ही स्ट्रेस फ्री, बहुत ही हैप्पी और गो विद द फ्लो टाइप ऑफ पर्सन लोगों को आप लगते हो। उनको आपको देखकर ऐसा लगता है तुम्हें तो क्या ही प्रॉब्लम होगी, तुमने तो क्या ही स्ट्रगल देखा है, तुम्हारे जीवन में तो कोई दुख है ही नहीं, तुम्हारी लाइफ तो एकदम मस्त चल रही है, तुम तो कंफर्टेबल हो बहुत। ऐसा जताते हैं लोग आपको कि अरे तुम्हारे तो मजे हैं, आपकी लाइफ तो सही है, प्रॉब्लम तो हमारी लाइफ में है। चाहे आपकी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम हो, आपको देखकर, आपकी मुस्कुराहट, आपकी हंसी देखकर लोगों को लगता है जैसे आप स्ट्रेस फ्री हैं। ओके, आप स्ट्रेस फ्री लगते हैं लोगों को। साथ ही साथ व्यूअर्स, यहां पर ऐसा भी है कि लोगों को लगता है कि आप वही करते हैं जो आपके मन में आता है। यू आर नॉट समवन जो किसी को फॉलो करे, यू आर नॉट समवन जो किसी की बात मानता रहे, चाहे वो बात अच्छी है या नहीं है, बस सुनता रहे किसी की बात, किसी के ऑर्डर्स को फॉलो करता रहे। आप में ऐसी बात ही नहीं है, आप फॉलो कर ही नहीं पाते हैं। आप वो करना चाहते हैं जो आपका मन कहता है और इवेंचुअली करते भी वही हैं। लोगों को यही लगता है कि आप ऐसे व्यक्ति हैं जिससे कहने से ना कहने से कोई फायदा नहीं है, वो करेगा तो वही जो उसके मन में है। तो यहाँ पर एक ऐसा व्यक्तित्व भी दिख रहा है आपका जो स्ट्रेस फ्री है, केयर फ्री है, लेकिन अपने मन मौजी है। जब मन आता है तभी वो चीज करते हैं, वरना नहीं करेंगे। ठीक है, अगर कुछ पढ़ने का मन किया है, तो अगर मन कर रहा है तो एक रात में पूरी बुक खत्म कर देंगे, लेकिन अगर मन नहीं किया है तो एक महीने तक भी किताब को छुएंगे नहीं। इस टाइप की आपकी पर्सनालिटी लोगों को लगती है कि मन में आया, मूड हुआ तो काम हो गया, नहीं मन में है तो कोई करवा भी नहीं सकता हमसे। इस टाइप का आपका नेचर लोगों को लगता है। यस, कहीं ना कहीं लोगों को ये लगता है कि आप जितने हंसमुख हैं, जितने जितने ज्यादा हैप्पी दिखते हैं, या आपका ऑरा जितना जितना क्लीन है, कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि आप इतना मुस्कुरा रहे हैं, इतना अच्छे से बात कर रहे हैं, तो कुछ लोगों को लगता है जैसे आप फ्लर्ट कर रहे हैं। कुछ लोगों को लगता है कि आपकी फ्लर्टिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं। आप फ्लर्ट करना जानते हैं, पर आप फ्लर्ट नहीं कर रहे होते। आप इसी तरीके से कंफर्टेबल और फ्रेंडली हैं, ये नेचुरल है। आप कोई फ्लर्ट नहीं कर रहे हैं, किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अगर आप किसी से हंस के बात करते हैं, मुस्कुराते हैं, एक्साइटेड होके बात करते हैं, तो कुछ लोग हैं जो ये भी सोच लेते हैं कि ये तो इसको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, लेकिन आप इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं कर रहे होते। यहाँ पर आप जो हैं वही रहते हैं, ये लोगों के ऊपर है कि वो सोचते हैं कि आप इम्प्रेस कर रहे हैं। यहाँ व्यूअर्स मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कई लोगों को आपका ये केयर फ्री नेचर अच्छा नहीं लगता। उन्हें लगता है कि आपको चीजों के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए, ज्यादा सीरियस होना चाहिए, ज्यादा ध्यान देना चाहिए, चाहे उन्हें पता नहीं है कि आप ध्यान दे रहे हैं, बस वो देखकर आपको जज कर रहे हैं कि आपको चीजों को लेके ज्यादा सीरियस होना चाहिए, बिना जाने कि आप सीरियस हैं या नहीं। ओके, और कई लोगों को ये भी लगता है कि अब आपको शादी कर लेनी चाहिए। यस, यू शुड गेट मैरिड नाउ। चलिए देखते हैं व्हाट एल्स वी हैव। वाओ, स्ट्रेंथ कार्ड,
इंटरेस्टिंग। यहां पर व्यूअर्स मुझे ऐसा दिख रहा है कि लोगों को लगता है कि आप हिम्मत वाले व्यक्ति हो, यानी कि डर नहीं लगता आपको किसी से। कुछ लोग ऐसे होते हैं व्यूवर्स जिन्हें अकेला होने से डर लगता है, पर यहाँ ऐसा चैनल हो रहा है कि लोगों को लगता है कि आपको अकेला होने से डर नहीं लगता। दोस्त आपका साथ छोड़ जाएं, परिवारजन आपसे बात ना करें, भाई बहन आपसे बात ना करें, परिवारजन हो गए, फ्रेंड्स आपसे बात ना करें, कलीग्स आपको अवॉइड करें, फिर भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। यू आर जस्ट लाइक कि अच्छा, आप मुझसे नाराज भी थे, मुझे पता ही नहीं चला क्योंकि मैंने ध्यान ही नहीं दिया। इस टाइप के व्यक्ति आप हैं। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई आपको छोड़ देगा, आप अकेले हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अकेले रहना इज योर स्ट्रेंथ। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है व्यूअर्स कि कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहे आपके मुंह पर ना बोले ये बात, लेकिन आपको देखकर काफी इंस्पायर होते हैं कि कैसे हिम्मत रखनी चाहिए, कैसे लाइफ में टूटना नहीं है, अपने आप को कैसे मजबूत रखना है, कैसे परीक्षा की घड़ी आए तो कैसे डगमगाना नहीं है। ये कुछ लोग आपको देखकर सीखे हैं। ये चीजें व्यूअर्स मुझे यहां पर दिख रही हैं। कहीं ना कहीं लोगों को ये भी लगता है, आप अगर माने या ना माने, लोगों को ये भी लगता है कि आप गुस्से वाले बहुत हैं व्यूअर्स उनकी नजर में। मैं नहीं कह रही हूं कि आप हैं या नहीं है, पीपल थिंक कि आप गुस्से वाले बहुत हैं, आपको गुस्सा बहुत आता है, छोटी छोटी बातों पे आपको गुस्सा आ जाता है, लोग ऐसा सोचते हैं। लेकिन जितना मैं देख पा रही हूँ, यहाँ पर बात ये नहीं है कि छोटी बातों पे गुस्सा आता है। यहाँ पर बात कुछ ऐसी है कि पहली बात तो आप किसी से अटैच नहीं होना चाहते, और अगर आप एक पल के लिए भी उसे अपना मित्र मान लेते हैं, और अगर आपको कुछ भी गलत उसके बिहेवियर में लगा, वहां आप हो जाते हैं हर्ट। फिर आप उस व्यक्ति को अवॉइड भी करेंगे, इग्नोर भी करेंगे, उसकी कोई बात ही नहीं सुनेंगे, और वो व्यक्ति कहेगा कि आप रूड हैं, आप हर बात पे गुस्सा होते हैं। पर ऐसा नहीं है, आप रूड नहीं हैं, यू आर नॉट रूड, यू आर सेंसिटिव। कुछ लोगों के दिमाग में ये परसेप्शन है कि सेंसिटिव व्यक्ति तो वही होता है जो हाल रो देता है, जो छोटी सी बात पर आंसू बहाने लगता है। बट वी ऑल्सो हैव सेंसिटिव पीपल जो हर बात पर गुस्सा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, वो रोना पसंद नहीं करते हैं, उन्हें लगता है कि रोना वल्नरेबल लगेगा, इसीलिए वो गुस्सा हो जाते हैं। बट दैट ऑल्सो शोज कि वो बहुत सेंसिटिव हैं, उन्हें हर बात पे गुस्सा नहीं आता, वो जब हर्ट होते हैं तब वो गुस्सा होते हैं। वो ये नहीं कहेंगे कि, मतलब आप लोगों की ही बात हो रही है, आप ये नहीं कहेंगे कि मैं हर्ट हूं, मुझे बुरा लगा, आप बस गुस्से में आ जाएंगे। अगर आपने किसी पे भरोसा किया, उसने आपका भरोसा तोड़ दिया, तो भी आपको अपने आप पे ही गुस्सा आएगा। तो यहां पर लोगों को थोड़ा यहां पर मिसकंसेप्शन है आपके बारे में, मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये भी कह सकते हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव। गिव मी अ मोमेंट। व्यूअर्स, यहां मुझे ऐसा भी लग रहा है कि लोग ये सोचते हैं कि आप कहीं ना कहीं लाइफ में चीजों को लेके बहुत स्लो है आपकी अप्रोच, यानी कि बहुत ही क्विक डिसीजन नहीं लेते हैं आप, और बहुत ही जल्दी किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचते हैं, बहुत ही जल्दी कोई जजमेंट नहीं सुनाते हैं। यू टेक टाइम। अगर आपको किसी को डेट भी करना है, तो ये नहीं कि एक महीने में आपने डिसाइड कर लिया कि व्यक्ति मुझे पसंद है, इसके साथ मुझे जीवन बिताना है। आपको सच में समय चाहिए उस व्यक्ति को समझने के लिए। तो लोगों को ऐसा लगता है कि आप अप्रोच में टाइम लेते हैं। ओके, कहीं ना कहीं व्यूअर्स, लोगों को ये लगता है कि आपका ये जो केयर फ्री, स्ट्रेस फ्री, कूल नेचर जो है आपका, जो आपको निश्चिंत दिखाता है, कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि इतना केयर फ्री होने की ही वजह से आप सक्सेसफुल हैं, या सक्सेसफुल हो रहे हैं, या ग्रो कर रहे हैं। तो लोगों को लगता है जिस तरह से आप केयरफुल हैं, दुनिया की सुनते नहीं हैं, लोग आपके बारे में क्या बकवास कर रहे हैं, इस बात से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये एक कारण है जिसकी वजह से आज आप ग्रो कर रहे हैं
और आप सक्सेसफुल हो रहे हैं या हो चुके हैं या होने वाले हैं। ये एक कारण है क्योंकि आपका आपका ध्यान इस चीज पर है ही नहीं कि कौन मुझे क्रिटिसाइज दिस वर्ड इज इन दैट टफ ओके, कौन मुझे क्रिटिसाइज कर रहा है इस बात पर आपका ध्यान नहीं है ओके। सो नाउ यू हैव अ पॉइंट टू लाइफ लाइफ वाओ, नाउ यू हैव समथिंग टू लाफ ऑन मी। पता नहीं पूरे दिन कितना भी चबड़ चबड़ करूं जब कुछ चैनल करना होगा तो हमेशा फंबल करती हूँ। आई जस्ट नीड वन मोर कार्ड ओके। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि लोग ये सोचते हैं व्यूअर्स, कुछ लोगों का ऐसा मानना है, ये आपको पर्सनली जानते हो सकते हैं, कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत है, आपके ऊपर जिम्मेदारी बहुत है, बचपन से जिम्मेदारियां देखी हैं या यू नो अचानक जिंदगी ने आप पर जिम्मेदारियां थोप दी या आपको आगे दिख रहा है कि सब कुछ आपको संभालना है। तो पीपल थिंक कि देखते हैं कैसे करेगा या कैसे करेगी मैनेज, क्योंकि उनको लगता है कि आपके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत हैं, बच्चों की हो सकती हैं, यू नो कुछ फाइनेंशियल इश्यूज भी हो सकते हैं, जो लोगों को लगता है देखेंगे हम कैसे संभालता है या कैसे संभालती है। बट व्यूअर्स आई कैन सी आप सब संभाल लेंगे ठीक है। तो ये लोगों को व्यूअर्स आपके बारे में लगता है। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है, इस रीडिंग ने आपको थोड़ा बहुत गाइड किया है। अगर किया है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें ड्रीम टैरो चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो जब भी मैं कोई रीडिंग लेकर आऊंगी सबसे पहले आप उसे देख पाएंगे ओके व्यूअर्स। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है ओके, इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो ओके व्यूअर्स। और मैंने एक दोपहर में वीडियो डाला था, वही जो फेक अकाउंट बना के नंबर प्रोवाइड कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स प्रोवाइड कर रहे हैं ड्रीम टैरो के नाम से। व्यूअर्स यू आर इनफ मेच्योर टू अंडरस्टैंड कि अगर मुझे कोई पर्सनल रीडिंग प्रोवाइड करने के लिए आपको कोई कॉन्टैक्ट डिटेल्स प्रोवाइड करनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूंगी और चीख चीख के वीडियो में बोलूंगी ओके। तो प्लीज़ कोई कमेंट में आपको रिप्लाई करता है कि ले लीजिए पर्सनल रीडिंग्स तो आप बोल लीजिएगा नो थैंक्स आई डोंट वॉन्ट ठीक है। चलिए हम आपसे मिलते हैं, बाय बाय।